घंटे बाद पहुँचे वहाँ पर, ऑन द स्पॉट पहुँच गए थे। फिर बॉडी वॉडी सब हमने निकाली उकाली, मेरे को अपने ही लड़के की आधे पौने घंटे बाद वो लोग उसकी उनको बेहोशी हालत में बाहर निकाला। फिर आगे की तरफ गया मैं, कोई उधर निकल गया कोई उधर निकल गया। बस हादसे का क्या बोलते सर, अब ड्राइवर की बात है। गोली खाल में जहाँ पर बात बोलते कि उसने भांग पी कर गाड़ी चला रहा था। ये बच्चा आए थे सुबह, गाड़ी आई फर्स्ट वाली बारात की नाथ वाली। अब बारात की नाथ से गाड़ी जैसे नीचे को आ रही थी तो वहाँ बस वगैरह वो बैंड काट दी उसने, बैंड सीधा काटा नहीं बस ने, और वो सीधा वो नदी की तरफ चलेगी। जो उसकी झाड़ी है वो ऐसी खड़ी है, मतलब उसकी क्या बोलते हैं जो है वो पूरा बैंड काटा, खुला बैंड है वहाँ पर, बैंड भी पूरा कटा काटा नहीं उसने, खुली जगह थी जहाँ पर से गाड़ी गिरी है। उसके बाद वो नीचे को गई, वो झाड़ियों में स्लोपिंग वाले चट्टान है खिसकती है जो, उसके बाद वहाँ पर हम एक घंटे बाद पहुँचे, हम तो ऑन द स्पॉट पहुँच गए थे। फिर बॉडी वॉडी सब हमने निकाली उकाली, मेरे को अपने ही लड़के की आधे पौने घंटे बाद वो लोग उसकी उसको बेहोशी हालत में बाहर निकाला। फिर आगे की तरफ गया मैं, कोई उधर निकल गया कोई उधर निकल गया। कारण क्या बताया जा रहा है बस हादसे का? बस हादसे का तो क्या बोलते सर, अब ड्राइवर की बात है। गोली खाल में जहाँ पर बात बोलते कि उसने भांग पी का गाड़ी चला रहा था, गोली खाल वालों को मान लिया। और आप लोग किस तरह से अलर्ट पे हैं आगे को लेकर? अभी तक यहाँ 3 मरीज आए हैं, अभी पहुँचे हैं, और उनमें से एक थोड़ा सीरियस लग रहा है, उसको हेड इंजरी और चेस्ट इंजरी है, और बाकी दो में फ्रैक्चर्स लग रहे हैं वो हैं, बड़े घबराए हुए हैं। उनकी पूरी टीम सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, इंटीरियर, सब जो पूरी टीम जो है सब तत्पर है, वो लगी है, उनको अकॉर्डिंगली आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं और ट्रायजिंग कर रखी है, बाकी विल डू दिस इश्यू। मरीजों की संख्या यहाँ बढ़ सकती है, उसको लेकर किस तरह से अलर्ट हैं आप लोग? कितने डॉक्टरों की टीम लगाई गई है? पूरे जितने जो विभाग है, सर्जरी, न्यू सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ENT जितनी है पूरी टीम है, वो सब खुद MS साहब, हम लोग पूरी जो बैकअप टीम्स हैं और सारे डॉक्टर्स जो और उनको सर रिक्रूशन कर देंगे जैसे जरूरत पड़ेगी, वो सब पूरे मैनेज हो जाएंगे पूरी तरफ। आप लोग अलर्ट पर हैं? देखिए अभी हल्द्वानी में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इंक्लूडिंग STH सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी यहाँ पर 3 घायलों को पहुँचने की हमें इन्फॉर्मेशन है, तो 3 घायल यहाँ पर आए हैं, उनका इलाज यहाँ पर हॉस्पिटल द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। और भी कई लोगों के आने की संभावना, किस तरह से अलर्ट पे हैं आप लोग? पूरा अस्पताल अलर्ट किया है, कितने डॉक्टर की टीम लगाई गई है? अस्पताल प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर दी गई हैं और सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन सभी को अलर्ट पर रखा गया, और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब और यहाँ के जो MS हैं वो खुद इस बात को मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करने की योजना है? कुछ लोगों को रामनगर से ही एयरलिफ्ट किया गया और उनको एम्स ऋषिकेश भेजा गया है, और आगे जैसी भी स्थिति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज ये घटना कैसे पता लगा आपको? पता नहीं भैया, मैं तो घर में थी तब तक फोन आया कि वहाँ से गाड़ी गिर गई, तब मैं आई उसमें मेरा बेटा भी था। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम राहुल भदौला। कितनी चोट लगी है उसे? उसके सिर में टांके आ रखे हैं, 15 आ रखी है, 12 आ रखी सिर में, और हाथ फ्रैक्चर हो रखा है। कहाँ से कहाँ आ रहा था? वो गौली खाल से आ रहा था रामनगर करणपुर। पहले कहाँ लेके फिर अस्पताल उसे? रामनगर से वहाँ रामदास जोशी में, वहाँ फर्स्ट एड हुआ उसका, वहाँ से भी यहाँ के लिए रेफर हुआ। क्या बता रहे हैं बस का कारण हादसे का? पता नहीं भैया, हमें तो अभी कुछ पता नहीं, हम तो हफरा तफरी में ऐसे ही आए। तब क्या नाम आपका? मेरा नाम गीतांजलि। उससे थोड़ी देर पहले सूचना, मतलब लगभग आधा पौन घंटा पहले, थाना सल्ट अल्मोड़ा जिले का है, वहां पे मरचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है, और जो प्रारंभिक सूचना थी वो यही थी, लगभग 45 से 50 लोग इस बस में सवार हैं, और ये जो घटनास्थल है ये जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहां से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है, और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहां से थोड़ा पास पड़ता है। तो जैसे ही सूचना मिली SSP अल्मोड़ा और DM वहां के सिविल अथॉरिटी सब मौके के लिए रवाना हो गए। इधर से भी नैनीताल से भी रामनगर से हम लोगों ने SSP नैनीताल और उनकी टीम ने फोर्स को रवाना कर दिया था। SDRF को भी हमने तुरंत मौके पर रवाना कर दिया था। मेरी स्वयं जैसे ये सूचना आई तो तुरंत अल्मोड़ा से बात हुई और DIG कुमाऊं से बात हुई, और उनको भी मैंने सारा यही जो मतलब जो फोर्स वहां भेजनी थी रेस्क्यू और रिलीफ के लिए उसके बारे में जानकारी भी दी, और ये भी उनको बताया कि मेडिकल टीम्स को भी तुरंत रवाना किया जाए और रेडी रखा जाए, कि क्योंकि घायलों की संख्या अगर अधिक है तो उनको तुरंत वहां से मतलब भेजा जाए। तो ये सारा हम लोगों ने अभी तक, मतलब जो अभी तक की उसके बाद लगातार रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, और मेरे ख्याल से SSP अल्मोड़ा शायद मौके पे पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, अभी मैंने अभी जानकारी लूंगा इसके बाद। तो गंभीर घटना है निश्चित रूप से,
और बहुत मतलब काफी बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नागरिक इस तरह से एक्सीडेंट में कैजुअल्टी हुए हैं। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था और उनके भी जो दिशा निर्देश थे उसी के हिसाब से हमने ये रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो दो जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस ये कहना चाहूंगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेकर जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी SDRF की टीम, दो जिलों की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और इसमें एक इनपुट ये मिला है कि जैसे कमिश्नर कुमार ने बताया कि 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में हैं, 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग वहां से ऋषिकेश, एम्स और हल्द्वानी रेफर किए गए। ये कमिश्नर कुमार का कहना है, अधिकृत चीज है जी। तो 42 सीटर बस थी और 57 का आंकड़ा हो रहा है यात्रियों का। तो ये वैसे तो ARTO प्रवर्तन का काम है, तो पुलिस के जुरिडिक्शन में कितना आता है कि इनके खिलाफ सघन? देखिए, इसमें समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं, ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के, और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफी पुराना है तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीजें स्टेयरिंग वगैरह वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर मतलब ड्रिंक ड्राइविंग, मदरापान करके गाड़ी चला रहा था। अपनी तरफ से कोई चेकिंग का, कोई ड्राइव चलाने का? हमने अभी ऑलरेडी जो हाल फिलहाल की घटनाएं, मैंने अभी IG लॉ एंड ऑर्डर को भी बोला है कि पिछले 3 साल की जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं इनके आंकड़े निकाल के फिर से हम अपने SPs को जो इस बारे में कड़ी इंस्ट्रक्शंस वो करें। और कल मैं जो एक मंथली क्राइम मीटिंग ले रहा हूं सारे डिस्ट्रिक्ट SPs की VCs के माध्यम से, तो उसमें भी इस मैनेजमेंट को ट्रैफिक के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से हमारे नागरिकों की इसको प्रमुखता से इस बारे में बताया जाएगा।